क्या स्वागत किया है इस भाई ने हम सबका आज के इस वीडियो में। सुपर से भी ज्यादा ऊपर वाला टैलेंट है ब्रो, लगे रहो। जिस स्पीड और कंसंट्रेशन से ये नॉनस्टॉप अपने बाजुओं को हिला रहा है, उससे ज्यादा स्पीड में मेरा माथा चकरा रहा है। आखिर कहां से आता है ऐसा टैलेंट यार? यहां लोग फुटबॉल की जगह फोन के साथ जगलिंग करते हैं, और ताश के पत्तों से खेलना और अपने बालों को संभालना नहीं होती है हर किसी के बस की बात, और आर्ट ऑफ बैलेंस नहीं है किसी आर्टिस्ट का काम, ये है एक आम आदमी का कमाल। यहां लोग सीधे उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से दिखा जाते हैं अपना धमाल। चलिए अप्रिशिएट करते हैं इनके बेमिसाल टैलेंट को और शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो। नंबर 1, एक आर्टिस्ट की असली पहचान उसके पेंसिल या पेंट से नहीं होती है बल्कि उसकी क्रिएटिविटी से होती है, और ये क्रिएटिविटी कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है, यहाँ तक कि आपके पहने हुए जींस से भी। और आप बिलीव नहीं करोगे पर इस आर्टिस्ट ने हजारों जींस द्वारा बनाया एक ऐसा मास्टरपीस जिसे देखकर ही आप महसूस करोगे इनर पीस। मतलब क्रिएटिविटी का लेवल तो देखो, हजारों जींस के हजारों शेड्स के कैसे इस बंदे ने परफेक्टली किया इस आर्ट वर्क को अपग्रेड। ये आर्टिस्ट है रियली सेल्फ मेड, और इस आर्ट में ही छुपा है इस आर्टिस्ट का फेस। नंबर 2, खूबसूरती सिर्फ 3 चीजों से चलती है, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कॉन्ट्रीब्यूशन से। और ठीक उसी तरह इस महिला ने कई खूबसूरत दृश्य अपने बालों द्वारा हमारे सामने रख दिए। 2017 में वाई ने ये एक्सप्लोर किया कि उसकी क्रिएटिविटी उसके बालों से है, और फिर बस इस क्रिएटिविटी कॉलिंग को अपनाकर उसने सोशल मीडिया पर खुद की पॉपुलैरिटी गेन की और एकदम हटके डिजाइन बनाने लगी। कभी हैंड तो कभी ब्रोकन हार्ट तो कभी इवन मैप ऑफ कंट्रीज। इसके मजबूत काले घने बालों ने सभी महिलाओं के सामने सेट किया एग्जाम्पल कि क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, बस उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए और शरीर का रंग जो भी हो कभी भी वो आगे बढ़ने के आड़े नहीं आ सकता। और लास्टली अगर आपको ये क्रिएटिव नहीं लगा है तो मैं एक बार ये जरूर पूछूंगा कि क्या आप अपने बालों से स्किपिंग कर सकते हैं। नंबर 3, इस बंदे का टैलेंट देखने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है। इनफैक्ट आई चैलेंज यू, घर पे ट्राई करके देखिएगा एक के ऊपर एक गाइस। इतने स्पीड और बैलेंस के साथ रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर इस बंदे के लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन स्पीड बैलेंस उसकी क्रिएटिव स्किल को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेकंड के लिए भी डाइस को ग्लास में रखकर अगर ऊपर उठाऊं वो भाई पूरा डाइस नीचे गिर जाएगा, प्लस दूसरे हाथ से लगातार वुडन स्टिक्स मैं होल्ड भी ना कर पाऊं। नंबर 4, जब ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी फेंकना चाहिए जब सामने हो बादशाह। जहां ताश लोगों की जिंदगी से खेलता है, वहीं इस महाशय ने तो ताश के पत्तों के साथ ऐसे अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स किए हैं जो लोग बस देखते ही रह गए। क्योंकि ताश के पत्तों से खेलते तो सभी हैं, पर ऐसे विजुअल और मैजिक ट्रिक्स क्रिएट करना नहीं है हर किसी के बस की बात, और मैं तो कार्ड को शफल भी इसकी तरह नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट यू, क्या आपको आते हैं ऐसे कोई कार्ड ट्रिक? नंबर 5, जब कार्ड्स की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स काटने में भी माहिर है। वेल, एटलीस्ट इस बंदे को अपने किचन में नाइफ की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और कहता है ना कि ताश में जो जीता है वो भी फेंकता है और जो हारता है वो भी फेंकता है, पर बॉस जो ये फेंकता है ना वो तो एक अलग ही लेवल का है। आई मीन अच्छे खासे लोगों की लग जाती है, जैसे कि इस बंदे की जिसके शरीर के आजू बाजू सिर्फ है कार्ड्स ही कार्ड्स से एम किया हुआ है। क्या आप ऐसा रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि डोंट वरी, इसका एम है एकदम कड़ा। ये बड़ा देता है लोगों की धड़ा, और बुल साइज हिट करने के लिए इसे किसी तीरवीर की जरूरत नहीं है, इसका कार्ड ही काफी है कि सही निगाहें लगाती है सही निशाना। तो चाहे वो बलून हो या कांच की बोतल, सब बिखर जाते हैं जब लगता है इसका निशाना। और इसकी तरह ये ट्रिक पुल ऑफ करने का नहीं है मेरे पास कोई बहाना, तो मैं तो बस ये कार्ड ट्रिक कर सकता हूँ। बस पुश करो और खुश रहो, क्योंकि यही है हमारे बस की बात। और यही करते करते बिखेर दिया है मैंने घर को, पर इसका मजा कुछ और ही है। आप भी ट्राई करना इसको अपने घर पर। बस 6, इस लॉकडाउन ने लोगों की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को एक फुल स्टॉप पर खड़ा कर दिया है, पर नॉट फॉर दिस दादी एंड पोता जोड़ी। ये सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। खुद ही देख लीजिए कैसे बर्तनों को अलग अलग जगह पर पोजीशन करके ये बॉल को ग्लास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दादी तो क्या खेलती हैं, थोड़े अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए तो क्या हुआ, ये अंत में फाइनली कामयाब हुए। और फिर अपना लेवल अप करने के लिए ये एक नया चैलेंजिंग गेम भी लाए, बॉटल के ऊपर बॉटल फ्लिप चैलेंज। और भाई ये एक धांसू एमिंग स्किल है, इनका बॉल और कैन जब भी एम पर लगता है ना मेरा भी मन करने लगता है ये गेम खेलने का। तो भाई आज डिनर के बाद, नहीं 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 बर्तन धोने के बाद मैं भी ये गेम खेलूंगा, और आप भी ऐसे कुछ ट्राई करना जरूर। उत्तरी, ये वाला तो सीधा गया बॉटल के अंदर। नंबर 7, तो फुटबॉल से जगलिंग करना हो गया है क्वाइट ओल्ड फैशन, क्योंकि अब ट्रेंड में आया है फोन जगलिंग, और ये इतना चैलेंजिंग और क्रेजी है कि फुटबॉल भी इसके सामने फीका पड़ जाए। फुटबॉल पीपल टेक अप दिस चैलेंज, और अगर करोगे तो भाई मेहरबानी करके नोकिया का डब्बा फोन ही लेना, वो टूटने पर भी कभी नहीं टूटेगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आज के इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी स्किल कौन सी लगी। हम फिर मिलेंगे दोबारा, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।